ओ भाई यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मली तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट फ्रेंड्स हमारे बहुत ही ज्यादा काम में भी आएगा, और फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल है, ये दोस्तों ड्रोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों आप बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा करके ऑल पे सेट कर लेना। इसको दोस्तों कोई बच्चा भी बना लेगा, बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस सब्सक्राइब कर लेना, एक सब्सक्राइब भी तो करना है, इतना मेहनत एक सब्सक्राइब के लिए करते हैं। तो एक सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा करके आल पे सेट कर लेना। फ्रेंड्स मैं ऐसे ही अपने चैनल पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट लाते रहता हूँ, जो कि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल वीडियो से कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सो फ्रेंड्स, हम हर बार की तरह अपने वर्किंग टेबल पे आ चुके हैं, और सो फ्रेंड्स इस बार हम काफी पावरफुल चीज को ले रहे हैं। फ्रेंड्स इस बार हम ले रहे हैं BLDC मोटर को। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास BLDC मोटर पड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों ये ड्रोन वाला मोटर है, काफी ज्यादा पावरफुल ये मोटर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको छोटा नजर आ रहा होगा लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल ये BLDC मोटर है। फ्रेंड्स ड्रोन का मोटर है, जो कि दोस्तों जो ड्रोन मिलता है उसी का ये मोटर है। यहाँ पे मैं इस ड्रोन मोटर वालों का, मैं यहाँ पे दोस्तों चार ड्रोन मोटर का यूज कर रहा हूँ, जो कि दोस्तों चार मोटर लगेगा जिससे तभी ये उड़ पाएगा, वरना ये नहीं उड़ पाएगा। ये दोस्तों काफ़ी सिंपल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसमें वो जो रिमोट होता है और कंट्रोलर होता है वो मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ। बस आप दोस्तों वीडियो देखते रहिए, मैं इसी को इसी तरीके से उड़ा करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं चार प्रोपेलर ले रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे हैं, जो कि ये इसके अंदर आसानी से फिटिंग आ जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा तेज चलता है, BLDC मोटर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते ही हैं। यहाँ पे चार BLDC मोटर, चार फैनों को ले रहा हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हर बार की तरह PVC सीटों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ्रेंड्स इस बार हमें थोड़े से PVC सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि देख सकते हैं हमारा दोस्तों इतने से PVC सीटों में हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लेंगे एक बैटरी को, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि अगर दोस्तों आप इसको ज़्यादा भारी कर देंगे तो दोस्तों ये नहीं उड़ पाएगा, जो कि दोस्तों ये काफ़ी छोटे छोटे मोटर हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बैटरी ले रहा हूँ, जो कि दोस्तों ये इस वजन को उठा पाएगा काफ़ी आसानी से। और यहाँ पे हम स्विच को भी लगाएंगे काफ़ी आसानी से, चार मोटर कुछ इस तरीके से रहेगा। फ्रेंड्स ये जो PVC वाला इसका कटिंग है, इसको कटिंग कर लेते हैं और फटाक से इसको बनाते हैं वीडियो। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने प्लस के जैसे बना लिया है, और यहाँ पे हम चारों मोटर को कुछ इस तरीके से इतनी दूरी दूरी पर फिक्स करेंगे। हम इस तरीके से फिक्स करेंगे कि दोस्तों ये जो हमारा प्रोपेलर है, छोटे छोटे प्रोपेलर हैं, ये एक दूसरे में ना लड़े। अगर दोस्तों ये एक दूसरे में लड़ेंगे प्रोपेलर हो तो ये टूट सकता है और ये उड़ेगा नहीं फ्रेंड्स। तो हमें इसको देखना है कि ये एक दूसरे में ना लड़े। और दोस्तों ये जो फालतू ये यहाँ पर है, इसको हम कटिंग कर देंगे। और दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको बनाएंगे, यहाँ पर इसको मोटर को छेद करके इसके अंदर हम लगाएंगे। अगर दोस्तों आप इसको नीचे से लगाते हैं मोटर को, फिर अगर तोड़ेंगे खींचेंगे तो ये मोटर को, इन चारों तरफ इन मोटरों को आसानी से इसको लगा लेते हैं। आप देखते रहे पूरे वीडियो को दोस्तों, ये जो मोटर है इन सबको हम यहाँ पे चारों तरफ फिटिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे इस तरीके से होल कर लेने के बाद अब इसमें हम मोटर को फिटिंग कर लेते हैं, दोस्तों काफ़ी आसानी से फिटिंग हो जाएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। अब इसके अंदर हम चलिए मोटर को काफ़ी जल्दी से फिटिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने मोटर को, चारों मोटरों को लगा लिया है, और इस ये जो वायर दिख रहा है इसको हम नीचे से लेके जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर एक भी वायर नहीं दिखना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर से वायर दिखता है तो अच्छा अच्छा कुछ लगता नहीं है। आप फ्रेंड्स इसकी जगह पे वो जो बड़ा BLDCC मोटर था उसको लगाएंगे और आप काफ़ी बड़ा ड्रोन भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो वाला मोटर 300 से लेके 400 रुपये तक का एक मोटर मिलता है। ये फ्रेंड्स एक मोटर 50 रुपये का है और इसको दोस्तों हम घर पर 500 से लेकर 600 रुपये में ड्रोन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसके फ्रेंड्स मैं रिमोट से चलाऊंगा और काफ़ी अच्छे से चला करके दिखाऊंगा। ये दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट भी है, देख सकते हैं कि हम इससे इन बैटरी को इसको लगा करके हम इसको चला पाते हैं या नहीं चला पाते। ये दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा इसके साथ साथ। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे इसका पंखी दिख रहा है और हम इसको इसमें लगा लेते हैं। फिर इसको ज़्यादा देर ना करते हुए अब इसका हम टेस्टिंग करेंगे। और फ्रेंड्स आप इसकी जगह पे ये 12 वोल्ट से चल जाएगा लेकिन ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स, बल्कि मैं इसको 3 वोल्ट से चलाऊंगा। इस वाली बैटरी से पहले दोस्तों नीचे रख के वायर रख के चलाएंगे, फिर दोस्तों इसको इसके बैटरी को इसके ऊपर रख के उड़ाएंगे, फिर देखते हैं दोस्तों ये उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। अब दोस्तों ये जो तीनों चारों प्रोपेलर हैं इनको हम इसके अंदर फिटिंग कर लेते हैं। आप बस वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा शुरू से एंड तक इनको देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आसानी से फिटिंग हो जा रहा है। इन सबको हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिटिंग कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा ढीला हो जा रहा है, ये मेरे को दोस्तों पंखड़ी जो है ढीला मिला था, तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर फेविक्विक को लगा के इसको टाइट किया। कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेना है। इस ड्रोन का पूरा जो कि कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है और पूरे पंखड़ी एक ही कलर का मैंने लगाया है, जो कि इसका कनेक्शन नेक्शन सब चीज़ पूरा हो चुका है। आपने वीडियो को पूरा देखा ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने कनेक्शन के लिए यहाँ पे अच्छे से पूरे चारों मोटर के कनेक्शन को कर दिया हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं वायर को भी निकाल दिया हूँ। अगर दोस्तों आपको रिमोट से चलाना है तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, जो कि दोस्तों इसमें मैं कंट्रोलर लगाऊंगा और उसको दोस्तों हम रिमोट से चलाएंगे। ये दोस्तों एक बार ये पहला वीडियो है दोस्तों, मैं कुछ इस तरीके से आपको उड़ा के दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों ये सिंपल ड्रोन, सिंपल खाली मोटर से हम ड्रोन बना करके उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसका हम टेस्टिंग करेंगे। इसको मैंने पूरा कनेक्शन वनेक्शन कर दिया, दो की दोस्तों यहाँ पे मैंने वायर को निकाल लिया, जो कि इसको हम नीचे रख के इस तरीके से और उड़ाएंगे, देखेंगे ये उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी जगह पे एक और दूसरा मोटर भी आता है, जो कि दोस्तों वो छोटा मोटर होता है, वो दोस्तों 20 रुपये करीब में मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी आसानी से वो वाला मोटर मिल जाता है। वो 20 रुपये वाला मोटर होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये गोल मोटर है, ये 50 रुपये वाला मोटर है। अब चलिए दोस्तों इसका हम टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। तो गाइस ये रहा हमारा ड्रोन और रहा इसका ये वायर। दोस्तों अभी मैं इसको बनाऊंगा रिमोट कंट्रोल, जो कि फ्रेंड्स इसको हम चलाएंगे रिमोट से। ये दोस्तों सस्ता वाला है, पहली बार मैं भी बना रहा हूँ तो दोस्तों मैंने सस्ता वाला बनाया, ये आपके लिए काफ़ी मस्त रहेगा। ये साइंस प्रोजेक्ट बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा भी है। और दोस्तों इसको लगाता हूँ इस बैटरी पर, अभी देखना दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। यहाँ पे दोस्तों ये अभी अंदर है इसलिए मैं इस तरीके से चला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी दोस्तों, ओ भाई यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। ये उड़ने भी लग रहा है थोड़ा बहुत नीचे से, इतना इतना कुछ उठ रहा है अभी, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ओ भाई बस आराम से आराम से बेटा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको लगाता हूँ मैं एक बार और, ये आपके सामने है दोस्तों, ये वायर भी इधर ही है। इसको दोस्तों मैं इसके इस बार, ओ भाई क्या हो गया, धीरे क्यों चल रहा है यहाँ, ओ भाई काफ़ी मस्त है ये तो। तो मैंने अभी इसको टेस्टिंग करके दिखाया आप लोगों को, दिख रहा होगा कि दोस्तों ये अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है, बल्कि दोस्तों ये थोड़ा बहुत इतना हद से ज़्यादा इतना उड़ रहा है, फिर इसके बाद दोस्तों ये गिर जा रहा है। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, मैंने इसमें ज़्यादा वजन कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सोल्डिंग वोल्डिंग किया है, फेविक्विक काफ़ी ज़्यादा लगा दिया हूँ और PVC भी थोड़ा भारी है, इसी की वजह से दोस्तों ये उड़ नहीं पा रहा है। वरना दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से उड़ जाता, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा वजन हो गया इसी कारण ये उड़ नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार और इसको चलाते हैं और फिर इसको देखते हम चला के। लेकिन दोस्तों मैं अपने चैनल पे कभी फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, आप इसको फेक वीडियो मत समझिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पे कभी भी फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके कोई सा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंट था, आप ऐसा इसमें पैसा बर्बाद मत कीजिए। और दोस्तों आपको लगाना ही है तो दोस्तों एक बार डायरेक्टली आप बना सकते हैं, जो कि दोस्तों 1 से 2 हज़ार रुपये में बन जाएगा अगर आप लोकल मार्केट से इसका सारा सामान परचेस करेंगे तो। उसके लिए भी दोस्तों मैं वीडियो बना दूंगा, पर दोस्तों एक बार इसको और चेकिंग कर लेते हैं।